सदन का शीतकालीन सत्र 16 नवंबर से हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। आप सोचिए कि पब्लिक के पैसे का कितना रोज रोज की कार्रवाई ठप हो रही है, उसमें नुकसान हो रहा है, 58 करोड़ बर्बाद हो गए। विपक्ष नोटबंदी पर प्रधानमंत्री से सदन में जवाब चाहता है, उससे पीछे वो कुछ नहीं चाहता है, और पीछे वो तभी होगा जब प्रधानमंत्री खुद आकर बोलेंगे। सरकार विपक्ष की मंशा पर ही सवाल खड़े कर रही। सरकार कह रही, बोल तो रहे हैं वित्त मंत्री अरुण जेटली, कह तो रहे हैं, बातें कर तो रहे हैं, सरकार की तरफ से सवालों का जवाब दे तो रहे हैं वो। संसद का शीतकालीन सत्र 16 नवंबर से सियासी रणभूमि बना हुआ है। नोटबंदी के खिलाफ गोलबंद हुए विपक्ष ने संसद की कार्यवाही एक दिन भी नहीं चलने दी। नोटबंदी पर चर्चा के लिए तैयार होने के बावजूद विपक्ष पीएम को संसद में बुलाने के लिए उतारू है। विपक्ष का कहना है कि पीएम संसद के बाहर बोल रहे हैं तो सदन में जवाब देने में क्या दिक्कत है। सीपीएम तो पीएम के खिलाफ मानहानि का नोटिस देने पर भी विचार कर रही है, जबकि तृणमूल कांग्रेस बुधवार से जंतर मंतर पर धरना देगी। ये कौन से देश की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है कि साल में प्राइम मिनिस्टर एक सदन में सिर्फ एक दफा, क्योंकि उनको खुद बोलना होता है तो उस दिन सदन के एमपीज को सुनेंगे, तो फिर डेमोक्रेसी रही कहां? द प्राइम मिनिस्टर एवरी डे गोज ऑन स्पीकिंग आउटसाइड but not inside the parliament. This amounts to a contempt of the parliament. Parliament to bhul jao. He is threatening to all. Prime Minister kabhi dekho, us samay aake kisi ka dhamka nahi de rahe the. Prime Minister should be sober. But why he is giving threatening whoever is going to come back? Who is going to come back? 16 नवंबर से संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई थी। संसद के दोनों सदनों में नोट बैन के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे की वजह से कामकाज ठप है। संसद में हंगामे की वजह से अब तक कुल 58 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। लोकसभा में 36 करोड़ और राज्यसभा में 22 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सरकार का कहना है कि वो हर मुद्दे पर बहस के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष इससे भाग रहा है। कुछ लोग हाउस को डिस्टर्ब कर रहे, बहुत सारे देश को भी डिस्टर्ब किया, देश को अभी हाउस को डिस्टर्ब कर रहे, चलने नहीं दे रहे। राज्यसभा में तो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को बुलाओ, और लोकसभा में ये कह रहे हैं कि रूल 56 के तहत चर्चा कराओ। चेयरमैन साहब वो कह रहे हैं चर्चा चालू है, यहाँ तो यहाँ कोई रूल का विषय नहीं है, तो वो कह रहे हैं यहाँ प्रधानमंत्री जी आए। अब कुतर्क कर रहे हैं, उसका तो कोई इलाज नहीं है। उधर नोटबंदी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने मंगलवार को संसद भवन तक मार्च निकाला। इस दौरान पुलिस ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को हिरासत में लिया, जबकि कांग्रेस ने भी संसद परिसर में प्रदर्शन किया। एनडीए की सहयोगी शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे भी नोटबंदी को लागू करने के तरीके पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जनता की जो गाढ़ी कमाई संसद में हंगामे के चलते बर्बाद हो रही है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। वहीं नोटबंदी के मसले पर शिवसेना के सांसदों ने आज प्रधानमंत्री से मुलाकात की, लेकिन प्रधानमंत्री ने नोटबंदी को लेकर सरकार के फैसले का विरोध करे शिवसेना के सांसदों को खरी खरी सुनाई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे बाला साहेब जी ठाकरे को ऊपर जाकर जवाब देना है, मैं दे दूंगा कि मैंने अच्छा काम किया है, लेकिन आप क्या जवाब दोगे? साथ ही उन्होंने कहा कि शिवसेना क्या करेगी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं फैसला वापस नहीं लूंगा। नोटबंदी के खिलाफ कल विपक्ष का विरोध प्रदर्शन है, समूचा विपक्ष इकट्ठा हो गया है। पूरे देश में नोटबंदी के समर्थन और विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शन की 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले हम दिल्ली की, जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर ही, क्योंकि नोटबंदी जो थी उसके विरोध में केजरीवाल हैं, तो जो नोटबंदी के समर्थन में लोग एनजीओज हैं वो करप्शन के खिलाफ जो काम कर रहे हैं एनजीओज हैं, उनके बैनर तले ये मास्क लगाकर उन तमाम सियासी पार्टियों के नेता का मुखौटा पहनकर उन्होंने प्रदर्शन किया जो नोटबंदी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। इसमें केजरीवाल, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत तमाम नेताओं के मास्क हैं। वहीं नोटबंदी से खफा लोगों ने जगह जगह जाम तक लगाना शुरू कर दिया है। मुरादाबाद, हापुड़ में सड़कें जाम है। मुरादाबाद में सैकड़ों युवा महिलाओं ने रामपुर दौराहे पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया है।
लोगों का कहना है कि बैंक उन्हें पैसा देने में टाल मटोल कर रहा है, अब इसकी वजह से उन्हें दिक्कतें आ रही हैं। वहीं हापुड़ में महिलाओं ने तो निजी फाइनेंस कंपनियों के खिलाफ सड़कें जाम कर दी है। लोगों का आरोप था कि फाइनेंस कंपनियों ने पुराने नोटों में पहले लोन लिया और अब किश नए नोटों में मांग रहे हैं।